दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल SS डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट के अंदर आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनको आप अपनी ब्रांड के नेम से किस तरह से आप लिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे या किसी अदर वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की फ़ोटो शूट जो होती है वो करना होता है और उसकी इमेजेस को उसी हिसाब से आपको तैयार करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा एक किचन का रैक है जो कि मैंने आपको स्नैपडील और अमेज़ॉन में भी लिस्ट करना बताया था। इससे कि पहली मेरी दो वीडियो जो थी वो इसी से रिलेटेड थी और सेम वही प्रोडक्ट मैं आपको अभी फ्लिपकार्ट पे जो है अपलोड करके बताऊंगा। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल भी इसकी बना रखी है। अब आप देखेंगे कि कुछ इमेजेस जो ऐसी है मेरी है, ये मैंने इमेज को इस हिसाब से मैंने तैयार किया है कि ये तीनों जो मेरे प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेज़ॉन, तो उन तीनों के अंदर अपलोड करने में मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसी हिसाब से मैंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये फ़ोटो शूट किए हैं और उसी हिसाब से इनकी इमेज मैंने तैयार की है। तो अभी इसमें जो आप देखेंगे टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने इसकी कुछ डिटेल है कि मुझे टाइटल इसका क्या रखना है और इसका डायमेंशन क्या है, वो डायमेंशन और इसकी वेट वगैरह इसका जो क्या है वो, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करके कंप्लीट आपको लिस्टिंग से पहले तैयार करनी होती है। तो अब मैं जो है अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और फ्लिपकार्ट का मेरा अपना जो सेलर पैनल है वो मैं लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना ये देखिए फ्लिपकार्ट का जो मेरा सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया है, अब यहाँ पर मुझे जो है वो किचन रैक लिस्ट करना है। तो लिस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे लिस्टिंग और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड न्यू लिस्टिंग और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड ए सिंगल लिस्टिंग और एड सिंगल इन बल्क। तो ये होता है बल्क के लिए। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एड ए सिंगल लिस्टिंग। अब यहाँ पर आपको जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको करना है किचन रैक। किचन और यहाँ पर रैक। तो जब आप यह देखें सेलेक्ट करेंगे इस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट ब्रांड। तो अभी हम देखेंगे कि ये मैंने जो है अभी कुछ जो प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं तो वो यहाँ पर ब्रांड शो हो रहा है। अगर इसके अलावा जैसे आपकी कोई अपनी ब्रांड है और अगर आपने उसको अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो कोई इशू नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसे कि मेरी अपनी ब्रांड है, मैं जैसे जैम, ये मेरी अपनी ब्रांड है, तो जब मैं इस पर क्लिक करके जब करता हूँ चेक ब्रांड, तो देखिए अगर इस तरह से कोई दूसरी ब्रांडेड है या दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं आप अगर उसको जो है सेल करना चाहते हैं तो कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अपनी, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा जो बोल अमाउंट है ये भी नॉन ब्रांड है, कोई इसकी कोई ब्रांड नहीं है, इसको मैं अपनी ब्रांड का नाम देके इसमें लिस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर अपनी कोई इसके अलावा जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो आप टाइप करेंगे और जैसे चेक ब्रांड पे करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्रूवल उसके लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग और यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले जो होती है इमेज होती है इसकी, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इतने सैंपल दिखाए हुए हैं कि आपको इमेज जो है इस तरह के जो सैंपल है उसी हिसाब से आपकी इमेज होनी चाहिए। और उसका देखिए मिनिमम जो इसका रेजोल्यूशन है ये 11,000 by 11,000 होना चाहिए, इससे कम की अगर इमेज होती है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखिए मेरी जो इमेजेस हैं अगर मैं इनका जो रेजोल्यूशन चेक करता हूँ डिटेल्स में जाके, तो यहाँ देखिए मेरी जो इमेज का है इसकी हाइट है 1,500 पिक्सल और इसकी हाइट है 1,000, तो
यानी कि जो मेरा इसमें फ्लिपकार्ट के अंदर जो इसमें दिया हुआ है वो उसको फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब जैसे देखिए कि मिनिमम यहाँ पे है, अभी इसमें मेरी 1000 है और यहाँ पे है 1100 पिक्सल, बट इसमें कोई इशू नहीं है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड किचन रैक, और ये मेरी फर्स्ट इमेज, इसको मैंने अपलोड किया। अब सेकंड नंबर, सेकंड को भी मैं अपलोड करता हूँ। अब मैं करता हूँ थर्ड नंबर की इमेज, और अब मैं करता हूँ फोर्थ नंबर। और अब मैं करता हूँ इसको सेव। तो अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद में आपको करना है, यहाँ पे एरर्स जो हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने ये केवल इमेज जो है वो अपलोड की है, बाकी की डिटेल मैंने अभी फिलअप नहीं की है। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसमें प्राइस स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका SKU ID, SKU जो होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपको देना है इसका नाम, आपको जो भी आप देना चाहते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका SKU ID मैंने दे दिया। अब ये लिस्टिंग जो होती है, आप इसको इनएक्टिव करना चाहते हैं या एक्टिव? मैं चाहता हूँ ये लिस्टिंग मेरी एक्टिव रहे। अब यहाँ देखिए, इसकी MRP आप जो है क्या देना चाहते हैं, तो MRP आप इसमें जो भी आप अपना MRP टैग अगर बनाया है तो ठीक है, अगर ना बनाया तो किसी जो MRP आप देना चाहते हैं, जैसे मैं इसकी MRP देना चाहता हूँ 699। और अब यहाँ पे आ जाता है सेलिंग प्राइस, आप इसको किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 499 में। यहाँ आ जाता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिटेल जो होती है इसके अंदर फुल फिलअप। अब आप देखेंगे कि फुल फिल बाय सेलर, और यह होता है सेलर स्मार्ट, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सेलर। और प्रोसेसमेंट के अंदर आप देखेंगे कि इन स्टॉक, आपके पास स्टॉक में जो है, और इसका जो कितने दिन के अंदर आप इसको डिलीवर्ड कर देंगे, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 2 डेज। और स्टॉक में आपके पास कितने हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, 20 मेरे पास अभी स्टॉक में है। और शिपिंग प्रोवाइडर, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो है शिपिंग प्रोवाइडर आप खुद करना चाहते हैं तो सेलर सेलेक्ट करें, अगर आप फ्लिपकार्ट से चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करते हैं कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को जो शिपिंग प्रोवाइड करें वो फ्लिपकार्ट करें। अब यहाँ पे देखिए लोकल डिलीवरी चार्ज, यहाँ पे आपको लोकल डिलीवरी चार्ज जो करना है 40। अब जोनल डिलीवरी चार्ज आपको सेलेक्ट करना है 47, जो कि अपने डिफ़ॉल्ट हैं स्नैपडील, सॉरी फ्लिपकार्ट के 40, 47। और यहाँ पे नेशनल डिलीवरी चार्ज 60। अब यहाँ पे आपको देखिए फ्लिपकार्ट प्लस है, इसमें से अभी आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, अगर आपने है तो उसमें सेलेक्ट करेंगे, मैं अभी इसमें सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसे सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस पे रेड स्टार है वो चीज़ आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। अब यहाँ देखेंगे कि आपका जो है पैकेज है उसका वेट क्या है, तो वेट के लिए मैंने यहाँ पे एक समरी बना रखी थी, ये देखिए। अब समरी के अंदर आप देखेंगे वेट मैंने यहाँ पे है 500 ग्राम है, और मेरी हाइट विड्थ और लेंथ टोटल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे वेट जो है केजी में है, तो केजी में 0.500। अब देखेंगे लेंथ, यहाँ से मैं लेंथ देखता हूँ 18 सेंटीमीटर है, तो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइप करना है 18 सेंटीमीटर। अब इसकी विड्थ आप चेक करेंगे तो विड्थ है 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको चेक करेंगे तो इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपको टाइप करना है 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है HSN कोड। अब HSN कोड जो होता है इस रैक का, वो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पूरी HSN कोड की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे किचन वेयर है यहाँ पे, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। 12% की जो GST लगती है, इसमें से ये 12वें वाला HSN कोड
ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लग्जरी आइटम, ये लग्जरी आइटम नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। और टैक्स कोड कितना है, इसमें जीएसटी कितने परसेंट लगती है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है 12%। अब कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंडिया की ये मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में बना हुआ है, तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, या इसके अलावा कोई दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट है आपका, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर की डिटेल और पैकर्स की डिटेल यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो अभी भी आप देखेंगे कि इसके अंदर दो एरर है अभी, क्योंकि जैसे आप चेक करेंगे एडिट में जाके, अब एरर कौन सी है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी मैन्युफैक्चरर जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरर के अंदर जहाँ से भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट में परचेज किया है आर के किचनवेयर से, किचनवेयर, और यहाँ मैं डाल देता हूँ दिल्ली, तो जहाँ से भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इसमें डिटेल आप इसमें टाइप कर सकते हैं। पैकर्स की जो डिटेल है, यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ, आप भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और मैंने इसको किया सेव। तो ये देखिए, अब मेरा जो है फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अब इसमें आपको क्लिक करना है एडिट में, और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर, अब ये मॉडल नंबर आप अपने हिसाब से जो है, किचन का ये रैक है तो उसी हिसाब से आप इसमें आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ किचन रैक 01। अब यहाँ पे कलर इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर है आपका, ये जैसे स्टील कलर है, ये स्टील का मैंने कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्टील ना करके मैं सिल्वर कर लेता हूँ, या इसमें जो भी कलर आपको लगता है, जैसे वाइट है, ऑरेंज है, सिल्वर। और मटेरियल कौन सा है, मटेरियल मेरा स्टील है, मैंने स्टील सेलेक्ट करूँगा। और अब टाइप में आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, कौन सा है, तो यह आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप कंटेनर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो जो है रैक का इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये कंटेनर आप इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपका लिस्टिंग पूरी कंप्लीट होगी नहीं। तो मैंने यहाँ से कंटेनर सेलेक्ट किया। हम आप देखेंगे कि जो सेल पैकेज होता है, अब इसके अंदर पैकेज के अंदर आप क्या चीज़ आप देते हैं, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ रैक, मैंने रैक टाइप किया। और अब मैं इसे कर, अगर जैसे कलर इसके अलावा आप देखेंगे प्लस का सिंबल है, तो अगर कलर सिल्वर के अलावा कोई अगर अगर डबल कलर का होता है, तो आप यहाँ से वो प्लस करके कलर आप और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बट अभी मेरा कोई कलर है नहीं, तो मैं एक सिंगल कलर सेलेक्ट करूँगा। और मटेरियल के अंदर भी अगर कोई मिक्स मटेरियल है, तो वो चीज़ भी आप प्लस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको किया सेव। तो अभी भी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक एरर आ रही है, अब वो एरर कौन सी है, मैं यहाँ से जैसे चेक करता हूँ एडिट में जाके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कलर आपको एक और सेलेक्ट करना है, तो एक कलर मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, और मैंने इसको किया सेव। तो ये देखिए, अब इस तरह से मेरा सेकंड ऑप्शन है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस एडिशनल डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको ना भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन टाइप ना करें, तो भी कोई इश्यू है नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं वैसे इसको कर देता हूँ सेंड टू क्विशी। जैसे मैं सेंड टू क्विशी पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए, मैंने अपनी जो है लिस्टिंग के फोटो शूट जितने किए थे, अब मैंने इसको जो है सबमिट कर दिया। अब आप देखेंगे जब ये मेरी अगर क्यूसी पास हो जाएगी, अभी देखिए ये अभी अंडर प्रोसेस में है, तो जैसे ही ये मेरी क्यूसी पास होती है,
अगर इमेजेस वगैरह जो होती है इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है तो ये क्यूसी पास मेरी हो जाएगी। और क्यूसी पास होने में फ्लिपकार्ट में कम से कम लगते हैं 10 से 12 घंटे, यानी कि एक दिन जो है मान के चलो कि क्यूसी पास होने में लग जाएगा। तो मैं जब ये क्यूसी पास हो जाएगी तो ये आगे की वीडियो में क्यूसी पास होने के बाद ही बनाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूसी पास होने के बाद में आपकी लिस्टिंग कैसे, आप इसमें और भी चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो चुकी है, और इसमें मैंने क्यूसी के लिए जो सबमिट किया था वो 23rd को किया था मैंने, 23rd फेब को, और क्यूसी मेरी पास हुई है 24th को 8:28 क्लॉक पे मॉर्निंग में। तो नॉर्मली जो होता है क्यूसी पास होने में 8 से 10 घंटे का टाइमिंग लगता है फ्लिपकार्ट पे। तो अब यहाँ पे जो है ये मेरी क्यूसी पास हो चुकी है और मेरी जो लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट पे भी एक्टिव है। और इन केस अगर कभी भी आपको इसके अंदर कोई इमेजेस होती हैं उसको अगर चेंज भी करना होता है तो आप यहाँ पे जो है लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे ये जो एक के न्यू पेज का सिंबल आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यह है कि माउस पॉइंटर एक हैंडसेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जाके इसकी इमेजेस भी अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी जैसे कि मेरे को कोई भी किसी भी तरह की इमेज चेंज नहीं करनी है तो वापस मैं आ जाता हूँ अपनी लिस्टिंग के अंदर, और यहाँ पे माई लिस्टिंग। तो अब देखिए जो ये प्रोडक्ट था मेरा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर अभी टाइटल डिफाइन मैंने नहीं किया था। तो टाइटल के लिए अगर आप अपना कस्टमाइज ये टाइटल चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या होता है कि फ्लिपकार्ट नए जो कस्टमर होते हैं या नए सॉरी जो सेलर होते हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। और धीरे धीरे अगर आपकी रेटिंग अच्छी होती है और प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती है तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की टाइटल जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है सेलर्स की कि आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसने टाइटल लिया है स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी ब्रांड का नेम है मेरी ब्रांड का वो है, और जो कैटेगरी जो मैंने इसको दिया था टाइप का, तो मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया था टाइप के अंदर, और किचन रैक मेरी इसकी जो कैटेगरी थी इसने नेम उसी अकॉर्डिंग ये लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको फ्लिपकार्ट पे इसको चेक करना है तो आपको इसे चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे व्यू ऑन फ्लिपकार्ट डॉट कॉम पे। तो ये देखिए अब ये प्रोडक्ट मेरा जो है फ्लिपकार्ट पे लाइव है। इसकी टाइटल आप देखेंगे जो टाइटल ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट ने ये टाइटल इसका डिफाइन किया है, और इमेजेस आप चेक करेंगे वही इमेजेस हैं जो कि मैंने इसके अंदर अपलोड की थी। तो इस तरह से जो है ये फ्लिपकार्ट पे मेरा प्रोडक्ट अभी लाइव है, और अगर आपको जो है ये प्रोडक्ट अभी परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आप एड टू कार्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। और प्राइजिंग जो होती है कि मैं आपको बता दूं ये प्राइजिंग फिक्स नहीं है, ये प्राइजिंग चेंज भी हो सकती है, हो सकता है कि जब आप वीडियो देखें तो ये प्राइस कम हो जाए या हो सकता है कि ये ज़्यादा हो जाए। तो ये प्राइजिंग पे आप इस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि प्राइजिंग मार्केट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह से जो है आप अपनी जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनको भी आप अपनी ब्रांड से फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। अब मैं वापस अपनी जो है सेलर के इसमें आ जाता हूँ, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब आपको देखना है कि फ्लिपकार्ट जो है आपको कितना इसमें मार्जिन देता है। तो अब यहाँ देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू ऑन कैलकुलेटर, तो जब मैं यहाँ देखता हूँ तो अभी आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे लिस्टिंग प्राइस, ठीक है ये लिस्टिंग प्राइस आ रही है, और इसके अंदर प्राइजिंग की डिटेल आ रही है लोकल जोनल और नेशनल। तो अब आप क्या करेंगे, लोकल से मीनिंग यह है कि अगर जैसे आपका लोकल जिस स्टेट से आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हो, अब वहाँ पे जिस जो स्टेट आपका है वो लोकल स्टेट कहलाएगा, और उसके अंदर जो है अगर आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है और आप ये फ्लिपकार्ट जो है उस एरिया में या आपके स्टेट के अंदर उसको डिलीवर्ड करता है तो उसमें देखिए इसके कमीशन चार्जेस जो होते हैं हर स्टेट के लिए सिमिलर है, चाहे वो लोकल हो चाहे जोनल हो चाहे नेशनल हो। अब इसमें आप देखेंगे शिपिंग चार्ज, शिपिंग चार्ज के अंदर ये अलग अलग है इसके कि शिपिंग चार्ज जो स्टैंडर्ड थे लिस्टिंग के टाइम में जो हमने उसमें इंसर्ट किया था वो तो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें जो शिपिंग फीस है वो इसकी लोकल की अलग है और जोनल की अलग है और नेशनल की अलग है। अब लोकल तो आपका लोकल स्टेट हो गया,
जोनल के अंदर आपके स्टेट के नियरेस्ट जो स्टेट आते हैं वो हो जाता है, और नेशनल के अंदर इंडिया के अदर स्टेट उसके शिपिंग चार्ज यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा इसके फिक्स चार्जेस आप देखेंगे, ये यहाँ पे फिक्स चार्ज है जो कि हर स्टेट के लिए यहाँ पे इक्वल है। और इसमें होता है कलेक्शन फीस, ये भी आपकी हर स्टेट की फिक्स है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर प्रीपेड आपका ऑर्डर होता है तो अगर आपके लोकल जो है लोकल स्टेट में सेल होता है तो आपको देखिए, अगर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो 499 का, तो सारा मार्जिन काटने के बाद में आपको पेमेंट दी जाएगी 349.30 पैसा। ये चीज़ होती है प्रीपेड पे। अगर यही प्रोडक्ट आपका सीओडी होता है, आपने जैसे सीओडी सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये देखिए 499 का जो प्रोडक्ट आपने सेल किया, चार्जेस बाकी के सभी के सेम है, बट आपको जो ये है पे ही होगा वो कम होगा, यहाँ देखिए उससे थोड़ा सा कम, 343.38 पैसा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो जोनल होता है और नेशनल होते हैं उसके भी ये चार्जेस आपको इस तरह से इसमें पे ही होंगे अगर सीओडी है तो। अगर यही प्रीपेड होता है तो प्रीपेड के अंदर थोड़ा सा अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये तो था कि आप फ्लिपकार्ट पे किस तरह से अपना जो है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनको आप अपनी ब्रांड से कैसे सेल आउट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको इसमें सवाल जवाब होते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो उस चीज़ का मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।